परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा के मुस्लिम समुदाय के लोग आज खंडवा एसपी विवेक सिंह से मिले। उन्होंने अक्षय गौर, जिसने कलीमुद्दीन मौलाना पर यह आरोप लगाए हैं कि नूरानी मस्जिद के आलिम ने उसे ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया और मुसलमान बनाने का प्रयास किया। आपको बता दें, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस विषय में एसपी से निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की और कहा कि यह पूरा मामला फर्जी है। अक्षय गौर महाराष्ट्र से ही मुस्लिम धर्म पहले ही अपना कर आया था और खंडवा की मस्जिदों में वह जाता था। एक दिन नूरानी मस्जिद में जब वह नमाज पढ़ रहा था तो उल्टी सीधी नमाज पढ़ रहा था, जिस पर युवकों ने उसे टोका और उसे कहा कि भाई आप नमाज किस तरीके से पढ़ रहे हो। तब उसने बताया कि मैं गैर मुस्लिम था और अभी उसने मुस्लिम धर्म कबूल किया। उसने जो आरोप आलिम पर लगाए हैं वह झूठे और बेबुनियाद हैं। आइए मुस्लिम समुदाय के शबीर कादरी की बात आपको सुनवाते हैं, उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। 24 बताइए किस तरह की मांग लेकर आए थे, क्या किया? ये अक्षय गौर नाम के जो व्यक्ति ने मोगर थाने के अंदर एक मौलाना के खिलाफ एक आवेदन दिया था, जिसमें ये कहा गया था कि मेरा मतलब इन्होंने इस्लाम धर्म में मुझे कबूल करवाया है। इसको लेकर इन्होंने एक झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जबकि ये सरासर झूठे। जो अक्षय गौर नाम का जो व्यक्ति था, इसने मतलब अभी से नहीं, बहुत पहले से इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था। ये मतलब एक मतलब इंजीनियर है, सिविल इंजीनियर है। इसका जॉब महाराष्ट्र में चलता है। ये महाराष्ट्र में इसने मतलब वहाँ से इस्लाम धर्म कबूल करके आया था। उसके बाद में खंडवा शहर की हर मस्जिदों में जाता था, ये हर मस्जिद में जाके नमाज पढ़ता था। इसको जैसी टूटी फूटी नमाज जिस अंदाज में आती थी उस अंदाज में पढ़ लिया करता था। उसी तात्पर्य में वो खानशौली के अंदर आया था, मतलब नूरानी मस्जिद के अंदर आया, उसमें नमाज पढ़ा था। उसको देख के बच्चे हंस रहे थे, तो उसको लोगों ने कहा क्यों हंस रहे हो, बोले इसको नमाज पढ़ते नहीं आती। फिर उसने इमाम साहब से पूछा, इमाम साहब ने उससे कहा कि क्यों तुम्हें नमाज पढ़ना क्यों नहीं आती। बोले हजरत, बोले मैं अभी नया नया मुसलमान हुआ हूँ, गैर मुस्लिम मतलब मैंने हिंदू धर्म छोड़ दिया, मुसलमान धर्म अपना लिया हूँ, इसलिए मुझे नहीं आता। इमाम साहब ने थोड़ा नमाज के बारे में उसको बताया। भाई एक ही बार इमाम साहब की मुलाकात हुई, उसके बाद वो चले गया। इसलिए मौलाना अमीन साहब पे जो इल्ज़ाम लगाया वो सरासर झूठ है। जो ये जो लड़का अक्षय गौर मतलब पढ़ा लिखा लड़का है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, मतलब सिविल इंजीनियर है, उसको किसी तरह से कोई बच्चा नहीं जैसे भेजा जाए। तो इस तरीके से मतलब हिंदू संगठन के बाद में जाके इन्होंने अपनी बात वहाँ जाके प्रशासन का दबाव बना के मतलब उन्होंने एक सीधे साधे इमाम के ऊपर उन्हें प्रकरण दर्ज करवा दिया, FIR दर्ज करवा दी। ये सरासर गलत है। मुस्लिम समाज इसका घोर इसका इसकी कड़ी निंदा करता है, क्योंकि SP साहब के पास ये मतलब प्रशासन के पास में आए, आवेदन दिया, आवेदन के साथ तुरंत उसके ऊपर FIR दर्ज हो गई। ये सरासर गलत है, इसकी जाँच होना चाहिए। हमने ये कहा गया कि यहाँ पे उच्च अधिकारी से, वरिष्ठ अधिकारी से उच्च स्तर पर इसकी मतलब जाँच की जाए, उस प्रकरण का मतलब खात्मा किया जाए। क्योंकि शहर के अंदर आप देख रहे हैं नफरत फैलाने वाले बहुत लोग हैं, कभी लव जिहाद के नाम से कभी आगे आ रहे, कभी लैंड जिहाद के नाम से आगे आ रहे। हम भी अब कहना चाहेंगे, हमने अभी तक अपनी एक जिम्मेदारी के साथ हम कह रहे, आज तक हमने बात नहीं की मीडिया के माध्यम से, लेकिन आज कहना चाह रहे कि मतलब इसी तरह देखा जाए तो मतलब मुसलमान की लड़की को भी ये लोग मतलब मुसलमान की लड़की को भेला फुसवा के ले जाते हैं और उसको भी मतलब धर्म परिवर्तन करवा के उसको हिंदू बना देते। अभी हाल फिलहाल के अंदर ही शाहीन नाम की लड़की थी, जो मतलब वो नरसिंहपुर से आई हुई थी, शाहीन नाम की लड़की, उसको शालिनी बना दिया गया। दीपक जाटव नाम के आदमी से वहां से भागा के लाया, दबाव यहाँ हिंदू संगठन आया, उस पर दबाव बनाया गया, उसको मुसलमान बनने में मजबूर किया गया। यहाँ तक कि लड़की के माँ बाप पुलिस लेकर आए थे उसको ले जाने के लिए, लेकिन मजबूरन यहाँ के प्रशासन ने लिया के SDM कार्यालय लेके गए। SDM साहब के वहाँ उसके बयान हुए, बोलते बालिक लड़का को छोड़ दिया जाए, बालिक लड़की से छोड़ दिया जाए, उन्हें क्लीन चिट दी गई। कभी यही कभी यही बात, कभी मुस्लिम लड़का कभी गैर मुस्लिम लड़की को भगा के लाता तो उस पर लव जिहाद का केस लगता है, कभी नाबालिग तो पॉक्सो लगता है, वो 376 भी लग जाती है, वो लवे संबंध भी बनाए गए। हम ये चाहते हैं ये सब चीजें बनो ना चाहिए, ये भगवा लव ट्रेप हमारे, हम भी ये कहना चाहेंगे जिस तरह लव जिहाद कहा जाता है, ये भगवा लव ट्रेप चला जा रहा है, ये ट्रेप चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में, भगवा लव ट्रेप का नाम दिया गया। मुसलमान की लड़की को फंसाया जाए, उसको लेकर उसको मतलब हिंदू बनाया जाए, और हिंदू संगठन कहता है इस बारे में कि लड़की भगा के लाओ मुसलमानों की, हम 2.5 लाख रुपए इनाम देंगे तुमको, उसके बाद में तुम्हारी हम जान माल की मतलब हिफाजत भी करेंगे। तो ये कौन सी है संस्कृति, तुम क्या समझ रहे हो मतलब अपने आपको? हम चाहते हमारे देश के अंदर हम सबसे मेल झूल के रहे, हम अमन शांति के साथ में रहे। नफरत फैलाने वाले बहुत सारे नफरती चिंटू पूरे शहर में घूम रहे, पूरे हिंदुस्तान में घूम रहे, जो हिंदू संगठन खास करके लोग आ जाते हो, ये नफरती तो फैला और क्या है। हम चाहते हैं भाई सद्भावना के साथ में रहे, पूरे शहर में लो अपन अमन शांति के साथ में रहे। हिंदुस्तान हमारा, जितनी कुर्बानी आपने दी उतनी कुर्बानी हमारे पूर्वजों ने भी दी है। हिंदुस्तान हमारा, हिंदुस्तान के लिए हमारा सर खम है। अरे तुम बार बार पाकिस्तान उसकी बात करते हो, पाकिस्तान तुम्हारे दिलो दिमाग में बैठा हुआ है, लेकिन हम तो पाकिस्तान को हमारे जूते की नोक पर रखते, हमें इससे कोई मतलब नहीं है।
जब देखो जब ये बात कही जाती है, अभी आपने ज्ञापन दिया तो क्या कुछ आश्वासन आश्वासन दिया गया? साहब ने कहा कि हम उसकी मतलब जांच करते हैं, जांच करने के बाद में हम इसके आगे इसका खात्मा है जो हम करेंगे। हमको मतलब पूरा पूरा उम्मीद है, हम प्रशासन का हमको पूरी उम्मीद है, यहाँ तक कि हमारा पुलिस प्रशासन बड़ा सशक्त है, हमको पूरी न्याय की पूरी उम्मीद है, हमारे साथ न्याय किया जाएगा, क्योंकि इन्होंने जो कमिटमेंट जो कर लेते एसपी साहब उस पर अपने पूरा कायम रहता, हमें इस चीज का भरोसा है। मैं मोहम्मद शब्बीर कादरी पार्षद हजरत खानचोली वार्ड क्रमांक 36 खंडवा। जो कुछ मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे उनका कहना है कि जो एक FIR अभी दो दिन पहले हुई थी जिसमें एक युवक ने एक आरोप लगाया था कि उसका धर्म परिवर्तित कराने में लोभ और भय का यूज किया गया था और करने के प्रयास किए गए थे और जिसके आधार पर FIR हुई थी, तो उसमें उनका कहना है जो मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि आए थे उनका कहना है कि ये आरोप गलत है और वो युवक स्वयं आया था और उसने ही अगर इसकी निष्पक्षता जांच हो तो वो आरोप गलत पाए जाएंगे, ऐसा उनका कहना है। और जिसको फिर मैंने आश्वस्त किया कि हम पूरी विवेचना करेंगे, जैसा भी पाया जाएगा उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। परिश्रम पैराडाइज, अपने सपनों को पूरा कीजिए अपने बजट में। 25 रूम, 2 गार्डन, 2 हॉल, कंप्लीट कैटरिंग और डेकोरेशन की सुविधा, साथ ही आप पाएंगे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, कैफे और रुकने ठहरने की उत्तम व्यवस्था। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। पता रामनगर के पास जसवाड़ी रोड खंडवा।